कोरोना वायरस महामारी की हैंडलिंग को लेकर कांग्रेस ने सत्ताधारी बीजेपी पर तंज कसा है। पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा ने कोरोना के 500 केस होने पर लॉकडाउन कर दिया। जब 10 लाख से ज्यादा केस हो गए तो भाजपा वाले घर में छिप गए। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट में कहा गया कि भाजपा के काम करने का तरीका भी गजब है। कोरोना के 500 केस होने पर देशवासियों को घरों में कैद कर दिया गया और 10 लाख से ज्यादा होने पर खुद ही घर में छिप गए। कांग्रेस ने लॉकडाउन के मद्देनजर दिए गए केंद्र सरकार के पैकेज पर भी सवाल खड़े किए। एक और ट्वीट में कांग्रेस ने कहा कि 20 लाख करोड़ के जुमला रूपी पैकेज से ना तो उद्योग जगत को राहत मिली और ना ही गरीबों को। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को भोजन देने का वादा किया था, लेकिन 2 करोड़ 13 लाख प्रवासी मजदूरों को ही इस योजना का लाभ मिला। पार्टी ने आरोप लगाया कि आपदा में अवसर का नारा देने वाले परिश्रम और प्रयास के महान बनाए भारत की महानता को नहीं समझ सकते। भाजपा अपने कृत्यों से भारत की महानता को खंडित करने का काम कर रही है। कांग्रेस ने भाजपा की गर्त व्यवस्था के जरिए कई ट्वीट में निशाना साधा है। कई योजनाओं का हाल बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां गरीबों पर चोट कर रही है।